अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री व विधायक नैना देवी विधानसभा क्षेत्र रामलाल ठाकुर ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सेना के जाबाजों की शहादत पर केंद्र सरकार चीन पर कार्रवाई करने से क्यों घबरा रही है। रामलाल ठाकुर ने बहुत ही संजीदा प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से पॉइंट 14 को लेकर के चीनी सेनाओं को कभी आगे तो कभी पीछे बताकर दर्शा रही है, आधिकारिक रूप से क्यों गलवान घाटी और उन 15 पॉइंट के बारे में वस्तु स्थिति नहीं बताती है जहां पर टेंशन बनी हुई है। रामलाल ठाकुर ने केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि 56 इंच का सीना अब कहां है। रामलाल ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा है कि देश के उन 20 जवानों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये प्रश्न देश की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है और भारत वर्ष में हर नागरिक केंद्र की सरकार से पूछना चाह रहा है कि कब वह समय आएगा जब भारत की माताओं के कलेजे में ठंडक पड़ेगी जिन्होंने अपने 20 जवान गंवाए हैं। रामलाल ठाकुर ने देश की विदेश नीति को भी असफल बताया और उन्होंने कहा कि ये कूटनीति की बहुत बड़ी भूल है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्राएं सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए ही करते रहे और देश के लोगों को ये बोल के बरगलाते रहते हैं कि मैं देश की विदेश नीति और कूटनीति को सुदृढ़ कर रहा हूँ। रामलाल ठाकुर ने ये भी प्रश्न उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीनी शहर वुहान में 27 और 28 अप्रैल 2018 को एक अनौपचारिक बैठक हुई थी तो उसमें किन विषयों पर बातचीत हुई थी, ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी पिछले वर्ष 11 अक्टूबर 2019 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक बैठक हुई थी तो इस बातचीत को पीएमओ और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत चीन की सीमाओं की सुरक्षा हेतु बहुत सफल बातचीत करार दिया था। तो रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर ये सीमाओं को लेकर सफल बातचीत थी तो हमारे 20 जवानों की शहादत क्यों हुई। रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार तो चाहती है कि उन नाकामियों पर पर्दा पड़ा रहे और विपक्ष कुछ बोले ही नहीं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अब जब चीन पर केंद्र सरकार की नाकामी सामने आई तो कुछ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर क्या हमारे उन जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि चीनी मोबाइल और चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भी धड़ल्ले से देश के छोटे छोटे कस्बों में बिक रहा है लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अब क्यों नहीं आरएसएस व उनके तथाकथित सहयोगी संगठन चीनी सामानों के विरुद्ध लामबंद हो पा रहे हैं। क्या इन संगठनों ने भाजपा के केंद्र सरकार को चीनी मसले पर अपनी सहमति दे दी है? यदि ऐसा नहीं है तो क्यों भाजपा की केंद्र सरकार के विरुद्ध ये तथाकथित स्वदेशी कहलाने वाले संगठन खड़े नहीं हो पा रहे हैं? कुछ तो इन संगठनों प्रांसकिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा क्यों भाजपा और उसके सहयोगी संस्थाएं देशभक्ति का झूठा लवादा ओढ़े हुए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश के वीर योद्धाओं की शहादत बेकार नहीं जा सकती। वर्तमान केंद्र सरकार न सही तो भविष्य में आने वाली सरकारें चीन को जवाब अवश्य देंगी और वर्तमान सरकार की तरह अपने हाथ पांव फुलाकर नहीं बैठेंगी। रोटरी क्लब निरचौंग द्वारा शहर में 200 नींबू के पौधे बांटे। रोटरी क्लब निरचौंग के अध्यक्ष अभिलाष गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने व जागरूक करने के साथ व्यापारियों को 3-3 नींबू के पौधे बांटे। कार्यक्रम का आयोजन सहायक गवर्नर प्रवीण अग्रवाल की देखरेख में किया गया जिसने की सहायक गवर्नर नवनीत सूद, कोषाध्यक्ष अमृतपाल सिंह तथा डायरेक्टर परमजीत सिंह सेठी व जय कृष्ण शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी
रोटरी क्लब नेरचौक द्वारा क्षेत्र के बग्गी और गौ सदन नेर डांगू में पौधारोपण किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पौधे बांटने के साथ साथ लोगों को पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक भी किया और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए आह्वान किया, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ वातावरण में जीवन व्यतीत कर पाए।